गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का जो चैप्टर 9 है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन लिख रहे थे, सब्ट्रैक्ट 3x प्लस 5y माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy। तो ये क्वेश्चन जो हम उतार लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 3x ऐसे डालना है, y ऐसे डालना है जैसे बुक में दे रखा है। आप लोग की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग अपने जो राइटिंग है उसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे। और प्लीज़ क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कॉपी करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार बच्चे गलत कॉपी कर देते हैं। और अगर क्वेश्चन गलत कॉपी हो गया आपका, अगर आपका स्टेप सही भी है, ये x है और प्लस 10xyz है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो गया कॉपी करते वक्त, तो आपका सारा जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आंसर को। पहले क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये हमारा पहले आएगा 5xy माइनस का 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन आएगा और फिर क्या आएगा, ब्रैकेट और फिर ये नंबर आएंगे 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। तो ये जो पहला स्टेप है ये है, ठीक है। आप लोग भी इसे ध्यान से करें, ओके, तभी आप लोग का क्वेश्चन सही हो पाएगा। इसके बाद हमें क्या है, ये तो हमारे जो है एक्स वाई है, वाई जेड है, और ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं, इनमें से लाइक टर्म कोई नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जब ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, ठीक है, जितने साइन है साइन भी कोई चेंज नहीं होगा, प्लस 10xyz। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का साइन है, अंदर वाले तीनों जो टर्म्स हैं 1, 2, 3 इन सब के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओके। अगर हम ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो आप लोग खाली एक का साइन चेंज करेंगे और बाकी का साइन जो चेंज करना भूल जाएंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो, माइनस ये अंदर कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 3xy माइनस का, माइनस प्लस फिर माइनस हो गया, 5yz हो गया, माइनस माइनस का हो गया, प्लस 7zx हो गया, ठीक है। देखो साइन सबके चेंज हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर आना, ठीक है। देखो एक्स वाई यहाँ पर भी है, एक्स वाई यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं, 5xy और जो माइनस का 3xy को पास ले आए। उसके बाद देखो ये वाई जेड है और वाई जेड हमारे पास ये भी है, माइनस का 2yz और ये हमारा माइनस का 5yz को एक साथ लिख दिया। उसके बाद जेड एक्स यहाँ पर भी है, जेड एक्स हमारा यहाँ पर भी है, माइनस का 2zx और ये हमारा प्लस का 7zx लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ये जो अकेला है 10xyz को हमने लिख दिया, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे बराबर बराबर है। अब एक्स वाई दोनों सेम है, तो ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2xy और ग्रेटर साइन का साइन यहाँ प्लस आ गया। ऐसे ही वाई जेड सेम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बढ़ेगा आएगा, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 7yz हो जाएगा माइनस का। अब जेड एक्स है और ये भी जेड एक्स है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बड़े वाले का साइन प्लस है आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5zx। और ये हमारा अकेला है तो ये ऐसे का ऐसे यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये सारी अलग अलग टर्म्स हैं, लाइक टर्म इसमें कोई नहीं है। अगर कोई लाइक टर्म होती तो वो सॉल्व हम कर देते, अब ये है अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्लीज़ आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें वीडियो पे, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले प्लीज़ यूट्यूब में लॉगिन जरूर कर लीजिए, बिना लॉगिन के आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप लोग को ढूंढने में बहुत दिक्कत होती होगी, तो आप लोग उससे कैसे बच सकते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, अपनी क्लास देखिए, चैप्टर देखिए, क्लिक कीजिए, आपको सारी वीडियो एक ही जगह पे मिल जाएंगी, आप लोग उससे स्क्रॉल करके अप एंड डाउन और आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।